हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू बी कॉन्फिडेंट। हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। दो मिनट और अब हम डिनर करने जा रहे हैं। हे गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद निशा। तो आज का व्लॉग होने वाला है करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। और अभी मैंने प्लान नहीं किया कि मैं क्या शेयर करूँगी, आपसे कैसे शेयर करूँगी, बट मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरे दिन की जो झलकियाँ होंगी वो आपके साथ में शेयर करूँगी, जो क्लिप्स होंगी वो आपके साथ में शेयर करूँगी। बिकॉज करवा चौथ पर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने के लिए, कुकिंग एंड पूजा की तैयारी, पूजा करना, रेडी होना, सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। तो आई डोंट नो कितना शूट हो पाएगा कितना नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। सो आज है 3 नवंबर गाइज और कल है 4 नवंबर, कल है करवा चौथ। तो मैं व्लॉग आज से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। सो गाइज जो पार्लर है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ही है, इसलिए मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ। मैं नीचे आ गई हूँ और मैं अभी आपको अपनी सोसाइटी का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। ये सिर्फ सोसाइटी के वन साइड का व्यू है गाइज, जहां से मैं जा रही हूँ सिर्फ उतने पार्ट का। हेलो गाइज मैं घर वापस आ गई हूँ और ये देखिए मेरी मेहंदी। मेहंदी लगा करके हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो रहे थे गाइज, इतने फ्रीज हो गए थे मेरे हाथ बिकॉज मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो घर आकर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज़ मुझे एक कप चाय दे दो ताकि मुझ में थोड़ी सी जान वापस आ जाए। बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी, एक तो मैं पूरा दिन के काम के बाद शाम में मेहंदी लगवाने गई एंड ऑल्सो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे और शाम की चाय का टाइम भी हो गया था। तो आज की चाय पतिदेव ने बनाई है एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, तो मेहंदी अपने आप ड्राई होके छूटने लगी थी तो मैंने उसको फिर हटा दिया और अभी सरसों का तेल लगा लिया है एंड ये वाला कलर आया है अभी जो शुरू शुरू का मेहंदी का कलर होता है, रात भर में ही अपने आप डार्क हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ऐसा ऑरेंजिश कलर आया है, आप देख सकते हो। एंड गाइज मॉर्निंग में देखिए कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है मेहंदी का, आई जस्ट लव दिस कलर। हे गाइस गुड मॉर्निंग और अभी बज चुके हैं सुबह के 11, आज है 4 नवंबर, आज है करवा चौथ और आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया हुआ है, काफ़ी डार्क मेहंदी है एंड अभी ये थोड़ा और डार्क होगी धीरे धीरे। और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा यहाँ का मौसम ठंडा ठंडा सा हो रहा है दिल्ली NCR का, अगर आप यहाँ से हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। काफ़ी हेज़ी सा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप का नामो निशान नहीं है, 11 बजने को आ रहे हैं बट धूप बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉग इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा ठंडक भी हो रही है, मौसम एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ है। और मैंने नहा लिया है, घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, झाड़ू पोछा एट्सेट्रा सफाई वगैरह हो चुकी है और अब मैं लगूंगी कुकिंग में बिकॉज आज का मेरा पूरा दिन कुकिंग में जाने वाला है। अगर आप UP से हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि आपके यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम कल्चर ही होगा, कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना है और उसी खाने से हमें पूजा करनी होती है। गाइज़ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि हमारे यहाँ पे ना सरगी वाला सिस्टम नहीं होता जैसे मोस्टली लोगों के यहाँ होता है, लेकिन सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हमारे यहाँ पर सरगी नहीं होती है, मतलब जैसे मॉर्निंग में लोग सरगी खाते हैं, हमारे यहाँ मॉर्निंग में सरगी वगैरह कुछ भी नहीं खाते, इवन कुछ भी नहीं खाते। रात के 12 बजे से जब से करवा चौथ की डेट लग गई है तब से मैंने पानी नहीं पिया है और मैं पानी पीऊँगी जाके शाम को जब करवा चौथ का व्रत खुलेगा चांद की पूजा करके, यानी कि पूरे दिन निर्जला फास्ट रहना होता है, कुछ भी खाना पीना नहीं होता है, सरगी भी नहीं होती है, मतलब टोटल निर्जला फास्ट है। मेरा पूरा दिन आज कुकिंग में जाएगा तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, सब कुछ आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ी देर के बाद किचन में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज मैंने रात भर के लिए उड़द की दाल सोख करके भिगो करके रख दी थी, अब मैं इससे दही बड़े बनाऊंगी और इससे ही पूजा होती है, सारा पूजा का ही खाना है गाइज। और ये छाछ के पैकेट रखे हुए हैं तो अभी आप देखते जाइए कि आज क्या क्या बनने वाला है और किन किन चीज़ों से पूजा होती है। एंड गाइज मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है करवा चौथ।
और सबसे पहले मैं दही बड़े बनाने का ही काम कर रही हूँ, बिकॉज इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और यहाँ पर मैं मिक्सी में दाल ग्राइंड करूँगी सबसे पहले और दही बड़े की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैंने छोटे छोटे शेप के ये बड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि ये पूजा में यूज़ होना है और आज जितना भी खाना बनेगा उसमें से छोटी छोटी शेप के चीज़ें निकाल करके रखी जाएंगी, जैसे पूड़ियाँ छोटी छोटी और ये बड़े हो गए छोटे छोटे छोटे, और जो भी खाना बनेगा उसको शाम की पूजा में रखा जाएगा और उन्हीं से ही पूजा की जाएगी। एंड गाइज प्लीज इग्नोर द मेस। जिस भी दिन घर में कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ ऐसी ओकेजन होता है तो किचन तो सबसे पहले फैलता है, बिकॉज खाना बन रहा है इतना सारा तो किचन काफ़ी मेसी हो जाता है। एंड यहाँ पर देखिए कि मैं इस तरह से अभी तैयारियों में लगी हुई हूँ और पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है गाइज आज का। एंड इसका एक प्लस पॉइंट भी है गाइज कि पूरा दिन का पता नहीं चलता, बिकॉज पूरा दिन कुकिंग में निकल जाता है तो भूख प्यास ऐसी चीज़ें याद भी नहीं आती है। सो दही बड़े रेडी हो गए हैं, लास्ट में बस मैं इसमें तड़का लगा दूंगी ऊपर से। एंड ये छोटी छोटी पकौड़ियाँ निकाली है मैंने अगेन पूजा के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उसके बाद मैं बड़ी पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ और कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ मीनवाइल, बिकॉज आज का जो मेन ट्रेडिशनल फूड है वो कढ़ी ही है। हमारे यहाँ पर कढ़ी बनता है और उसी से पूजा होती है, और कढ़ी चावल सब्जी पूड़ी और दही बड़े ये मेन आज का मेन्यू होता है। आज की पूजा में भी यही सब यूज़ होता है और पूजा के बाद जब हम व्रत खोलते हैं तो यही खाना हम खाते हैं घर में। तो ये मेरी कढ़ी बन रही है गाइज अभी, और इसके साथ ही साथ मैं दूसरे काम भी करती जाऊंगी, बिकॉज मुझे हर हाल में 4:30 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है, 4 बजे तक मुझे सारा खाना बना लेना है ताकि मैं शाम की पूजा की तैयारियां कर सकूं और खुद भी रेडी हो सकूं, बिकॉज उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है खुद रेडी होने में और पूजा की सारी तैयारी करने में। जब तक कढ़ी पक रही है तब तक मैं यहाँ पर सब्जी की चॉपिंग करके रख रही हूँ। मैं ड्राई सब्जी बनाऊंगी गोभी की, इसलिए मैंने उसकी तैयारी करके रख दी है। मीनवाइल मैं दूसरे काम भी निपटाते जाऊंगी साथ ही साथ। एंड क्योंकि गाइज आज पूजा का खाना है तो आज के खाने में किसी भी चीज़ में अनियन एंड गार्लिक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है, लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि ये पूजा का खाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जीरा और हरी मिर्च और टमाटो की हेल्प से ही सब्जी को मैं फ्राई करूँगी और मैंने उसकी तैयारी करके रख दी है और सब्जी भी रेडी है अब। एंड इसके बाद मैंने दही बड़े में तड़का भी लगा दिया है तो वो भी कम्प्लीटली रेडी है। अब देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस नज़र आ रहा है। एंड दही बड़ा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, और मेरी फैमिली को भी सबसे ज़्यादा दही बड़ा पसंद है। एंड लास्ट में मैंने पूड़ियाँ भी बना ली हैं, तो खाने का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है, सारी कुकिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है और इससे ही पूजा की जाएगी, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। एंड इसके अलावा कुछ मीठा भी रखना होता है तो उसके लिए मैंने मिठाई मंगवा ली है। और अब बज चुके हैं शाम के करीब 4:30-5:30, और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ तैयार होने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 16 श्रृंगार करना होता है करवा चौथ के दिन, बिकॉज त्यौहार ही 16 श्रृंगार का है एक्चुअली गाइज। अगर आपको पता है तो आपको जानते ही होंगे आप कि आज का जो त्यौहार है करवा चौथ वो वाइफ का अपने हस्बैंड के लिए होता है, तो सुहागिनों का त्यौहार है तो पूरी सुहाग की सारी चीज़ें 16 श्रृंगार लगाई जाती हैं और उसके बाद ही पूजा करनी होती है। तो अभी मैं सबसे पहले नेल पेंट लगा रही हूँ अपने नेल्स पर, और ये देख लीजिए मैंने पायल वगैरह पहन ली है, बिछुए चेंज कर लिए हैं, एंड थकान मेरे चेहरे पर इस वक्त आपको साफ नज़र आएगी, बिकॉज पूरे दिन निर्जला फास्ट रही हूँ और कुकिंग वगैरह की है खड़े खड़े ऑलमोस्ट 4-5 घंटे, तो काफ़ी ज़्यादा थकान चेहरे पर नज़र आने लगी है। एंड बट फिर भी
अंदर से एक्साइटमेंट काफी ज्यादा रहता है बिकॉज साल भर का त्योहार है। एंड इसके बाद अभी मैं यहाँ पर मुहावर लगा रही हूँ जिसको आलता भी बोलते हैं, तो वो लगा रही हूँ अभी मैं। एंड त्योहारों पर हमारे यहाँ आलता जरूर लगाया जाता है बिकॉज ये शुभ माना जाता है एंड सुहाग की चीज है, श्रृंगार की चीज है, तो आलता कंपल्सरी होता है किसी भी पूजा में। तो अभी मैं यहाँ पर आलता लगा रही हूँ। एंड मैं अपना पर्सनली बताऊं गाइस, तो मैं किसी भी रिचुअल को बहुत ही दिल से निभाती हूँ। मुझे अपने रीति रिवाज, अपने रस्मों रिवाज निभाना बहुत पसंद है और उसको मैं बहुत पूरे दिल के साथ, पूरे जतन के साथ मैं करती हूँ और फॉलो करती हूँ। तो इस तरह से अभी मैं आलता लगा रही हूँ और आप देखोगे कि आगे आगे मैं क्या करने वाली हूँ। हर एक त्यौहार पे आप देखोगे मेरा एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल होता है, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, करवा चौथ हो। मुझे अपने ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स और अपने कल्चर को फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत दिल से निभाती हूँ ये सारी चीज़ें और यहाँ तक कि जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली में, सब मुझे यही बोलते हैं कि तुम ना एकदम बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ फॉलो करती हो, बहुत अच्छे से पूजा करती हो और बहुत अच्छे से निभाती हो। एंड मैंने देखा गाइस कि जब मैं इस तरह की चीज़ें करती हूँ, घर में कुछ ऐसा ओकेजन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मेरी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मैं उस दिन को मैं बहुत ज़्यादा खास बना देती हूँ उन लोगों के लिए। शाम के 5:30 बजे आप देखिए बाहर का मौसम गाइस, सामने की बिल्डिंग दिखना बंद हो गई, इतना हेजी है, इतना ज़्यादा स्मॉग है। एंड यहाँ पर मैंने अपना आउटफिट निकाल के रखा हुआ है जो मैं आज पूजा के टाइम पहनने वाली हूँ। ये मेरा करवा चौथ का आउटफिट है और ये देखिए कैसा सामान फैला हुआ है गाइस। मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, रेडी होने का तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ बट इस तरह से सामान पूरे बेड पर फैल गया है। एंड दिस इज द होल लुक गाइस, आई होप कि आपको ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे पर्सनली ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड पूरा आउटफिट, पूरा मेकअप, हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग वॉज सो कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। इतना ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आएगा ये लुक, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा करवा चौथ का लुक कैसा लगा, बिकॉज मैं अपने मेन चैनल के लिए जो यूट्यूब वीडियोस क्रिएट करती हूँ एंड देन मैं जो खुद रेडी होती हूँ रियल में, तो जो मैं खुद में रियल में रेडी हुई वो आप सभी के लोगों के सामने है। तो प्लीज बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। पिक्स एंड वीडियोज में तो आई डोंट नो कितना कलर एंड एवरीथिंग समझ आ रहा है बट रियल में, ओरिजिनल में ये लहंगा और ये पूरा लुक ट्रस्ट कीजिए गाइज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मैं मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपना खुद का लुक इतना ज़्यादा लाइक करूँ बट दिस इज द वन ऑफ द यू नो बेस्ट लुक आई हैव क्रिएटेड सो फार। एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले उस दिन। गाइज अभी सारे काम हो चुके हैं, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए और अब मैं पूजा की तैयारियां करने जा रही हूँ और कथा की तैयारी, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और चांद की पूजा करेंगे। सो अभी मैं नीचे अपने घर पर ही मंदिर में बैठ करके पूजा कर रही हूँ और कथा पढ़ूंगी और ये वाली पूजा करने के बाद हम छत पर जाएंगे और चांद की पूजा करेंगे, वहाँ पर भी पूजा करनी होती है। तो इस तरह से पहले मैं घर पर ही इस तरह से पूजा कर रही हूँ और कथा पढ़ूंगी और जो मैंने पूजा के लिए खाना बनाया था वो सारा इसमें रखा गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, श्रृंगार की चीज़ें, फल, मेवे, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। एंड इसमें शिव परिवार को आमंत्रित किया गया है पूजा में और उनकी पूजा की गई है और इस तरह से माता रानी से सुहाग भी लिया जाता है। तो अभी मैं नीचे पूजा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, और इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी छत पर चांद की पूजा करने और चांद को अर्घ्य देते हैं और छलनी से उन्हें देखते हैं और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। देन मुझे चांद के निकलने के पहले पहले छत पर पहुंचना है और वहां पर भी पूजा की तैयारियां करनी है। आज तो मैं आपको बता दूं कि चांद ने भी हद कर दी थी, इतना लेट चांद कभी नहीं निकला, आज बहुत ज़्यादा लेट चांद निकला है, 9:30 के बाद निकला है। जैसे होता है ना 2020 में सारी चीज़ें आपको मिलके परेशान कर रही, तो चांद ने भी आज खूब सताया लेडीज़ को, बहुत देर में आज चांद निकला। तो फाइनली हमने पूजा कर ली है। ए
एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं गाइज, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा था, एंड ये आज से नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है, जिस साल से मैंने करवा चौथ व्रत रखना शुरू किया तब से वो भी मेरे साथ रखते आए हैं। एंड वैसे तो गाइज, प्यार को डिफाइन करने के लिए, एक दूसरे के लिए लव को डिफाइन करने के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, बट करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिसमें कि आप अपने प्यार को एक दूसरे के लिए शो करते हो, एक दूसरे के लिए भूखे रहते हो, पूजा करते हो, और सच पूछो तो पूरा दिन पता भी नहीं चलता, भूख का भी बिल्कुल पता नहीं चलता, बिकॉज इतने सारे काम हो जाते, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। बट हाँ, फिर भी मैं कहूँगी मेल्स के लिए थोड़ा टफ है, और जब वो करते हैं इस तरह तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वाइफ, किसी भी वाइफ को अच्छा लगेगा कि उसका हस्बैंड उसके लिए व्रत रहता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं और साथ में ही व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से आज हमारी करवा चौथ की पूजा कम्प्लीट हुई। सो गाइज, अब डिनर वगैरह हो गया है और मैं जा रही हूँ चेंज करने, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं चाहती तो थी कि सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँ, बट बहुत ज़्यादा आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, एंड ऑल्सो पूजा वगैरह करने के टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें वीडियो बन नहीं पाई, शूट नहीं हो पाई, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करी कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। तो ये था गाइज मेरा करवा चौथ स्पेशल व्लॉग, एंड आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। दिस आई एंड माई व्लॉग हेयर, और आप बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मैं कैसी लगी, मेकअप कैसा लगा, लहंगा कैसा लगा, और बाकी की सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, ओवरऑल व्लॉग आपको कैसा लगा। सो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है गाइज, मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।